Welcome to recorded lectures of economics, IGCSE and O-level. This is Khurram Mustaqim and today I'm going to start chapter 9, price determination. Let's see. Chapter 9, price determination. Here in this chapter, we will discuss and study about the learning objective. By the end of this chapter, you will be able to use demand and supply schedule and curves to establish equilibrium price and sales in market. Use demand and supply schedule and curves to identify disequilibrium prices and excess demand and supply in a market. Do cheeze hum is chapter mein bahut detail mein padhne wale hain. Ek ye ki demand aur supply curve ki madad se kis tarike se equilibrium price ko establish kiya ja sakta hai. और इक्विलिब्रियम प्राइस के साथ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जिस पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एग्रीड होते हैं प्रोडक्ट को ख़रीदने और बेचने के लिए. इसके अलावा डिमांड और सप्लाई शेड्यूल और कर्व की मदद से हम डिस इक्विलिब्रियम लेवल भी चेक करेंगे. दो डिस इक्विलिब्रियम लेवल होंगे और उस डिस इक्विलिब्रियम को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है इस पर भी बात करेंगे. इन द फर्स्ट प्लेस हम ये डिस्कस करते हैं कि हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन एनी पर्टिकुलर मार्केट. आप अपनी अपनी ज़िंदगी में कभी भी कहीं कोई विजिट किया होगा. हो सकता है गली में कोई आइसक्रीम वाला आया हो और वहाँ उसे जब आपने आइसक्रीम खरीदने की कोशिश करी या फिर आप किसी मार्केट जाते हैं कोई कपड़ा खरीदने की कोशिश करते हैं तो आप एक कंज्यूमर होते हैं और जो शख्स प्रोडक्ट को बेच रहा होता है वो प्रोडक्ट का सेलर या प्रोड्यूसर होता है. आमतौर पर हम सेलर और बायर करके एग्जाम्पल को समझते हैं. तो सेलर और बायर के दरमियान जो बार्गेनिंग होती है और जो बातचीत होती है उसकी वजह से ही प्राइसेस डिटरमाइंड होती हैं. तो किस तरह प्राइस डिटरमाइन होती है, लेट्स सी दैट. कंज्यूमर्स वांट लो प्राइसेस व्हाइल सेलर वांट हाई प्राइसेस. हर बायर की चाहत होती है कि उसे कम से कम कीमत पर अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए जबकि सेलर की चाहत होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत चार्ज करे. बायर ऑफन हैगल विद मार्केट ट्रेडर सीकिंग टू ड्राइव द प्राइस डाउन एंड द ट्रेडर एम टू कीप द प्राइसेस रिलेटिवली हाई. बायर की कोशिश होती है कीमत को कम से कम करे और सेलर की कोशिश होती है कीमत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए. और ये एक बार्गेनिंग कंडीशन जिसको यहाँ पे हैगल का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है कि चलती है बायर और सेलर के दरमियान. फर्म्स एस्टिमेट एंड देन चार्ज व्हाट दे थिंक इज द इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज द प्राइस वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल. वो कीमत जिस पर बायर एंड सेलर दोनों एग्री हो जाते हैं चीज़ को किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने और बेचने के लिए दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस. और ये वहाँ पर प्राइस सेट होती है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए. डिमांड किसे कहते हैं, सप्लाई किसे कहते हैं, ये हम प्रीवियस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़कर आ रहे हैं. इफ द सेलर्स फाइंड दैट दे कैन नॉट सेल ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट एट दिस प्राइस दे विल लोअर इट. अब मिसाल के तौर पे एक सेलर चाहता है कि कीमत ज़्यादा से ज़्यादा रखे. अब मिसाल के तौर पे वो किसी प्रोडक्ट की कीमत 25 रुपये रखता है लेकिन 25 रुपये में वो मार्केट में नहीं बिकती और कोई बायर उसे नहीं खरीदता तो उसे मजबूरन उसकी कीमत को कम करना पड़ता है. इफ़ द सेलर्स फाइंड दैट द कंज्यूमर वॉन्ट टू बाय मोर देन दैट एंड दे आर ऑफरिंग फॉर सेल एट दिस प्राइस दे विल रेज द प्राइस. फॉर एग्जाम्पल वो किसी चीज़ की कीमत 25 रुपीज़ रखता है और उसके पास 1000 यूनिट्स होते हैं लेकिन उसके ख़रीदार 1000 यूनिट से ख़रीदने के भी ज़्यादा आ जाते हैं और जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की तो फिर सेलर उस चीज़ की कीमत को बढ़ाना शुरू कर देता है. इस तरीके से प्राइसेस डिटरमाइन होती हैं, सेट होती हैं किसी भी कम्योडिटी की किसी भी मार्केट में. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम. और मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर एक कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम प्राइस का. व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज द प्राइस वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए. एंड सो देयर आर नो शॉर्टेजेस और सरप्लस ऑफ द प्रोडक्ट. और यहाँ पे ना प्रोडक्ट की कोई शॉर्टेज हो ना ही कोई सरप्लस हो.
इट मींस द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम प्राइस। डिमांड कहते हैं जब कभी कोई बायर किसी चीज़ को खरीदने की विलिंगनेस रखता हो और उसको खरीदने की एबिलिटी भी रखता हो, दैट्स कॉल्ड द डिमांड। और सप्लाई कहते हैं जब कोई प्रोड्यूसर या सेलर किसी प्रोडक्ट को बनाने या बेचने की विलिंगनेस रखता हो और उसको बनाने या बेचने की सलाहियत एबिलिटी भी रखता हो, यानी उसके पास पैसा होता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के इस कंसेप्ट को हम विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द प्राइसेस, किसी प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपये है, 10 से बढ़ के 20 हो जाती है, 30 हो जाती है, 40 हो जाती है, 50 हो जाती है। और यह हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़कर आ रहे हैं कि क्वांटिटी सप्लाई का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है। क्वांटिटी सप्लाई का मतलब है एक प्रोड्यूसर एक सेलर किस तरह सोचता है। एक प्रोड्यूसर या सेलर इस तरह सोचता है कि जब जब प्राइस बढ़ती जाती है, और याद रखिएगा यह हमेशा किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होती है, जब उसकी प्राइस बढ़ती जाती है तो सेलर उसकी प्रोडक्शन और उसकी सप्लाई भी बढ़ाता जाता है, क्योंकि इस 10 रुपये में जो प्रॉफिट मार्जिन मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन 2 रुपये है, जो भी प्रोडक्ट बना के आप मार्केट में बेच रहे हैं उसकी कीमत 8 रुपये है, लेकिन आप उसे 10 रुपये का बेचते हैं तो 2 रुपये प्रॉफिट मार्जिन है, और मार्केट में 2000 यूनिट्स आप बेचते हैं। किसी भी वजह से आपकी प्रोडक्ट मार्केट में पसंद आती है, चल पड़ती है, और एक सेलर उसकी कीमत जो है वो 20 रुपये कर देता है, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट अब भी 8 रुपये है मगर अब वो बेच रहा है 20 रुपये का, इसका मतलब उसका प्रॉफिट मार्जिन 12 रुपये हो जाता है। और अगर किसी प्रोडक्ट को मार्केट में बनाकर बेचने पर होने वाला प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए तो यकीनन प्रोड्यूसर या सेलर उसकी प्रोडक्शन सप्लाई भी बढ़ा देता है। इट मींस क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के दरमियान जो रिलेशन पाया जाता है वो हमेशा डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन होता है। वेन एवर प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई एक्सपेंड, क्वांटिटी सप्लाई हमेशा एक्सपेंड होती चली जाती है। इसी तरीके से अब हम रिलेशन देखते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। याद रखिएगा क्वांटिटी डिमांड इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर और बायर, तो बायर क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का रिलेशन हमेशा इन्वर्स पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट मार्केट में 10 रुपये की है तो बायर उसे 10,000 यूनिट्स खरीदता है साल के, और अगर किसी भी वजह से उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, 10 से बढ़ के 20 हो जाती है, तो बायर उसकी डिमांड उसका इस्तेमाल कम कर देता है क्योंकि अब उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो 8,000 यूनिट्स खरीदता है या इस्तेमाल करता है। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है तो क्वांटिटी डिमांड भी कम होती जाती है। मगर इस शेड्यूल में अगर आप गौर करें तो मैंने बल्कि आप इस चीज़ को डिस्कवर करें वो कौन सा लेवल है जहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड बराबर है। यस एग्जैक्टली 6,000 यूनिट्स जहाँ पर सप्लायर सप्लाई कर रहा है और बायर बाय कर रहा है, जो कि बराबर है। हमें ढूंढना था कैसा पॉइंट जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर हो, तो डिमांड और सप्लाई बराबर हैं किस कीमत पर, 30 रुपीज़ के ऊपर, एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। ये वो कीमत है जो बायर जिस पर खरीदने के लिए तैयार है 6,000 यूनिट्स, और सेलर बेचने के लिए तैयार है 6,000 यूनिट्स। इस चीज़ को अब हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखते हैं। डायग्राम जब भी आप बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप हमेशा लेते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी फॉर एक्स, एक्स से मुराद कोई भी कमोडिटी हो सकती है, और वर्टिकल एक्सिस पर आप लेंगे प्राइस फॉर एक्स। और आप देख सकते हैं कि प्राइस जो हमारे पास मौजूद है 10, 20, 30, 40, 50, वो हमने वर्टिकल एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंसेस के साथ शो कर दी, और क्वांटिटी जो हमारे पास मौजूद है दोनों शेड्यूल के अंदर 2000 से लेकर 10,000 तक, और यहाँ पर भी 2000 से लेकर 10,000 तक। मिनिमम प्राइस क्वांटिटी थी 2000, 4000, 6000, 8000, देन 10,000। पहले हम इसमें ड्रॉ करते हैं क्वांटिटी डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हम कैसे ड्रॉ करेंगे, प्राइस 10 के ऊपर डिमांड कितनी है 10,000, 20 पर कितनी है 8,000, 30 पर है 6,000, 40 पर है 4,000, और 50 पर है डिमांड 2,000। इन्हीं सारे पॉइंट्स को बेस बनाते हुए हम यहाँ पर मैं पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। जब प्राइस 10 है, 50 है, तो डिमांड कितनी है 2,000, ये रहा। 50 पर डिमांड है 2,000 और 40 पर है 4,000। जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है, क्वांटिटी डिमांड बाय द बायर बाय द कंज्यूमर इंक्रीज होती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है। प्राइस 30 है तो डिमांड है 6,000, 20 पर 8,000, 10 पर 10,000। इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है डिमांड कर्व, जो कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, या जिसे नेगेटिव स्लोप भी कहते हैं। इसी तरीके से हम इसमें ड्रॉ करेंगे क्वांटिटी सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व के लिए जब हम रिलेशन देखते हैं प्राइस के साथ क्या है, प्राइस 10 है तो क्वांटिटी सप्लाई 2,000, 20 पे 4,000, 30 पे 6,000, 40 पे 8,000 एंड 50 पे
10,000। सबसे पहला पॉइंट हमने ड्रॉ किया, जब प्राइस 50 है तो सप्लाई है 10,000। लुक एट दिस, 50 पर 10,000, 40 पर 8,000, 30 पर 6,000, 20 पर 4,000 और 10 पर है 2,000। बाय ज्वाइनिंग ऑल दिस पॉइंट्स वी गेट द सप्लाई कर्व दैट मूव्स लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, इट इज आल्सो अ पॉजिटिवली स्लोप कर्व। बाय ज्वाइनिंग ऑल दीज पॉइंट्स वी गेट डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। यू कैन सी इजिली दैट द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज ई। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमें जो ये प्राइस नजर आ रही है 30, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर हमें जो क्वांटिटी नजर आ रही है 6,000, याद रखिएगा ये 6,000 क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड दोनों को जाहिर कर रहा है। यानी बायर यहाँ 6,000 यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार है और सेलर यहाँ पे 6,000 यूनिट्स बेचने के लिए तैयार है। दिस इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था मार्केट इक्विलिब्रियम और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। मार्केट डिसइक्विलिब्रियम हैज टू कंडीशन, द वन इज सप्लाई एक्सीडिंग डिमांड, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई, दैट इज कॉल्ड शॉर्टेज। व्हाट डज इट मीन सप्लाई एक्सीडिंग डिमांड सरप्लस? इट मीन्स इफ अ फर्म सेट द प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लेवल, याद रखिएगा अबव द इक्विलिब्रियम लेवल, जो भी इक्विलिब्रियम लेवल अभी हमने जो डिमांड कर्व के अंदर पिछले डायग्राम में देखा, उसके ऊपर अगर कोई भी प्रोड्यूसर या फर्म या सेलर प्राइस को सेट करता है तो वहां पर हमेशा सरप्लस पाया जाएगा। इट विल नॉट सेल ऑल ऑफ द प्रोडक्ट, और यहाँ पर वो सारे प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। इट ऑफ ऑफ अ सेल देयर विल बी सरप्लस, दैट इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। अभी हम इसको डायग्राम की मदद से भी देखते हैं। ये वही डायग्राम है, वही सारे पॉइंट्स हैं, वही डिमांड कर्व है, इसी तरीके से वही सारे पॉइंट्स हैं और वही सप्लाई कर्व है। और आप देख सकते हैं ये हमारा था इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये था इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अभी हमने बात करी कि सरप्लस कहाँ मिलेगा हमें, प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लेवल। अगर कोई प्रोड्यूसर इस इक्विलिब्रियम प्राइस 30 से ऊपर यानी 40 या 50 पर अपनी प्राइस सेट करता है, मिसाल के तौर पर अगर वो 40 पे अपनी प्राइस सेट करता है, तो यहाँ पर अब आपको ये गैप नजर आता है। ये गैप क्या जाहिर करता है? दिस गैप इज कॉल्ड सरप्लस। ये सरप्लस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। अब आप देख सकते हैं ये प्राइस 40 पर जब हम जाते हैं और सप्लाई कर्व को देखते हैं, तो ये रहा आपका सप्लाई कर्व। प्राइस 40 पे अगर मैं आपसे पूछूं सप्लाई कितनी है, तो ये रही सप्लाई। कितनी सप्लाई है? 8,000 यूनिट्स की सप्लाई है। 8,000 यूनिट्स की, यानी एक सेलर बेचना चाहता है मार्केट में 8,000 यूनिट्स, मगर इस कीमत पर, इस हाई प्राइसेस जो कि 40 है, इस पर डिमांड कितनी है? ये रही डिमांड। इस पर हाई प्राइसेस 40 पर कंज्यूमर या बायर जो अवेलेबल हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो 4,000 यूनिट्स खरीदना चाहते हैं। यानी कि कंज्यूमर या बायर सिर्फ 4,000 यूनिट्स खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है, जबकि सेलर बेचना चाहता है 8,000 यूनिट्स। तो 8 में से 4,000 माइनस करें तो 4,000 यूनिट्स मार्केट में ऐसे मौजूद हैं जो अनसोल्ड हैं, जो मार्केट में मौजूद हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई एंड दैट इज कॉल्ड सरप्लस, दैट इज कॉल्ड अनसोल्ड यूनिट्स। दूसरा मार्केट डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई। डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई का मतलब होता है शॉर्टेज, और ये कब होगा? इफ इट इज इनिशियली सेट बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल। यानी अगर कोई प्रोड्यूसर नया नया बिजनेस शुरू करता है, नया नया स्टार्टअप होता है, तो वो इक्विलिब्रियम लेवल से भी नीचे अपनी प्राइस को सेट करता है। इन दिस केस दे विल बी इनिशियली शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्ट विद डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई, दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, ये इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम लेवल जो कि 30 है, अगर प्रोड्यूसर या सेलर प्रोडक्ट की प्राइस 30 के नीचे सेट करता है, फॉर एग्जाम्पल 20 पर या 10 पर सेट करता है, अगर वो प्राइस 10 पर सेट करता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर आपको ये गैप नजर आता है 2,000 से 10,000 के दरमियान, एंड दिस गैप इज कॉल्ड शॉर्टेज। ये शॉर्टेज कहलाता है। शॉर्टेज क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है किससे? सप्लाई से।
इस प्राइस 10 पर। अब आप देख सकते हैं डिमांड कर्व कहाँ है, ये रहा डिमांड कर्व, याद रहे ये डिमांड कर्व है। और यहाँ पर कितने यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं कंज्यूमर या बायर, 10,000 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है बनिस्बत किसके। ये देखिएगा यहाँ पर प्राइस 10 पर सेलर कितने यूनिट्स बना के मार्केट में रखता है बेचने के लिए, 2,000 यूनिट्स मार्केट में बनाकर बेचने के लिए रखता है, लेकिन उसके ख़रीदार आ जाते हैं 10,000 यूनिट्स के, 8,000 यूनिट्स की डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई। इसका मतलब ये हुआ 8,000 यूनिट्स मार्केट में कम पाए जाते हैं, मौजूद ही नहीं है बिकने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्टेज। तो ये आज आपने इस स्लाइड पे देखा, अभी मार्केट डिसइक्विलिब्रियम जो कि दो तरह के हो सकते हैं, एक सरप्लस है एक शॉर्टेज है। सरप्लस हमेशा इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर होगा और शॉर्टेज हमेशा इक्विलिब्रियम लेवल के नीचे होगा। ओके, अब हम ये देखेंगे कि मार्केट डिसइक्विलिब्रियम जो भी मैंने आपको दिखाया, एक शॉर्टेज और एक सरप्लस है, ये किस तरीके से मूव करते हैं, और ये मूव करते हैं किसकी जानिब, मार्केट इक्विलिब्रियम की जाने मूव करता है। तो इन दोनों की मूवमेंट्स को हम वन बाय वन देखेंगे। मूविंग फ्रॉम मार्केट डिसइक्विलिब्रियम टू मार्केट इक्विलिब्रियम, पहले हम देखते हैं पहला डिसइक्विलिब्रियम जो कि था सप्लाई एक्सेडिंग डिमांड, दैट वाज सरप्लस। ये वही डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दोबारा लिखी है, और अब देख सकते हैं मैंने इसमें एक जुमले का इजाफा किया है, मार्केट फोर्सेस विल मूव द प्राइस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। जो डिसइक्विलिब्रियम हमने देखा था उसके अंदर मार्केट फोर्सेस की वजह से प्राइस चेंज होगी, और प्राइस चेंज होने की वजह से प्राइस हमेशा मूव करेगी इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ। इस चीज़ को हम शेड्यूल और डायग्राम की मदद से देखते हैं। वही शेड्यूल है, प्राइसेस 10, 20, 30, 40, 50, क्वांटिटी सप्लाई जो कि इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाई एक्सपेंड होगी, क्वांटिटी डिमांड जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी रेज होगी क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल तो था 30, जहां पर डिमांड भी 6,000 थी सप्लाई भी 6,000 थी, मगर हमने देखना है इस वक्त सरप्लस। सरप्लस में हमने अभी अभी ये बात पढ़ी, प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लेवल, तो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस तो थी 30, तो अब हम देखते हैं अगर इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि 30 है उससे ज़्यादा प्रोड्यूसर प्राइस को सेट करता है 40, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, 8,000 सप्लाई है 4,000 डिमांड है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो 4,000 का क्या पाया जाएगा, 4,000 का सरप्लस पाया जाएगा। अगर प्राइस इक्विलिब्रियम 30 से ज़्यादा यानी 50 है तो सप्लाई है 10,000 यूनिट्स की, लेकिन बायर खरीदना चाहता है सिर्फ 2,000 यूनिट्स, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो कितने यूनिट्स मार्केट में इजाफे मौजूद हैं जो कि अनसोल्ड हैं, सरप्लस मौजूद है 8,000 यूनिट का सरप्लस मौजूद है। अब हम देखते हैं कि अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा की सेट की जाती है यानी 40 या 50 की, तो उससे प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, प्राइस हमेशा डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा यूनिट्स मार्केट में मौजूद हैं जो बायर अफोर्ड नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, तो मजबूरन सेलर को प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा। इस सारे सिचुएशन को अब हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस, फिर से हमने बनाया वही डिमांड कर्व जो कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, फिर हम बनाएंगे सप्लाई कर्व जो कि लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिलता है कहाँ पे, इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि 30 है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 6,000 यूनिट्स की है। और अब हम देखते हैं कि सप्लाई एक्सीडिंग डिमांड सरप्लस कहाँ होगा, अबव द इक्विलिब्रियम लेवल, अगर कोई सेलर प्राइस सेट करता है इस 30 से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल 40 प्राइस सेट करता है, तो यहाँ हम देखते हैं ये क्या है, सरप्लस। और सरप्लस क्यों है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है 8,000 यूनिट्स की जबकि डिमांड कम है कितने, 4,000 यूनिट्स की, तो 4,000 यूनिट्स का यहाँ पे सरप्लस पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि 4,000 यूनिट्स इस गैप से इस गैप के दरमियान कुछ ऐसे मौजूद हैं जो मार्केट में अनसोल्ड हैं, कोई खरीदना ही नहीं चाहता, तो फिर अगर वो यूनिट 4,000 जो मार्केट में नहीं बिक रहे, जो बायर अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें बेचने के लिए, ये देखिएगा डिमांड है 4,000 यूनिट्स की जबकि सप्लाई है 8,000 यूनिट्स की, तो 4,000 यूनिट जो अनसोल्ड हैं अनअवेलेबल हैं उसको सेल करने के लिए बायर प्राइस को डिक्रीज करेगा, सॉरी
सेलर प्राइस को डिक्रीज करेगा। सेलर प्राइस कितने डिक्रीज करेगा? 40 से 30। और जब वो प्राइस डिक्रीज करेगा तो बहुत सारे बायर जो पहले 40 प्राइस पर इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब वो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन हमेशा क्या पाया जाता है? इनवर्स रिलेशन है। जब ये प्राइस डिक्रीज करेगा तो फिर डिमांड यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिएगा, डिमांड यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुई और दोबारा से कहाँ पहुँचेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँचेगा। और इसका मतलब ये हुआ कितने यूनिट्स की डिमांड, सॉरी, ये सप्लाई कर्व है, यहाँ पे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रही है? जब जब प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होगी। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है? जब जब प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी, जब जब प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी एक्सपेंड होगी। यहाँ पे सप्लाई क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से कितने यूनिट्स की सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हुई है? 8,000 से 6,000, 2,000 यूनिट्स की सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इस कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो यूनिट्स जो मार्केट में, मार्केट से मुराद है शॉप पर अवेलेबल थे, सप्लायर या सेलर उन्हें मार्केट से निकाल के वापस स्टॉक यानी कि गोडाउन में ले गया है, वेयर हाउसेस में ले गया है। और दूसरा जो आपको यहाँ पर प्राइस इफेक्ट नज़र आएगा वो क्या नज़र आएगा? जब प्राइस डिक्रीज हुई है तो बहुत सारे कंज्यूमर या बायर जो 40 रुपये का अफोर्ड नहीं कर सकते थे मगर अब अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसका मतलब देखिएगा, ये रहा डिमांड का। डिमांड क्या होगी यहाँ पर? डिमांड एक्सपेंड होगी। और डिमांड यहाँ पर एक्सपेंड होकर वापस कहाँ पहुँचेगी? इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँचेगी। और डिमांड कितनी एक्सपेंड हुई है? डिमांड पहले यहाँ थी 4,000 यूनिट्स की और डिमांड एक्सपेंड होके हो चुकी है 6,000 यूनिट्स की। तो इसका मतलब वो जो सरप्लस था यहाँ पे 4,000 यूनिट्स का, वो यहाँ से रिमूव हो गया है। और रिमूव होने की वजह ये है कि सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हुई है 8,000 से 6,000 यूनिट्स यानी 2,000 यूनिट्स पे, और डिमांड एक्सपेंड हुई है 4,000 से 6,000 यूनिट्स यानी कि 2,000 यूनिट्स की, और दोबारा से मार्केट पहुंच जाती है डिस इक्विलिब्रियम से मार्केट इक्विलिब्रियम की जाने। और डायग्राम को जो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया उसको हम ये राइटिंग में भी देखते हैं। एट 40 द फर्म इज विलिंग एंड एबल टू सेल 8,000 प्रोडक्ट। कीमत जब 40 है तो फर्म बेचना चाहती है 8,000 यूनिट्स, बट द कंज्यूमर बाय ओनली 4,000 यूनिट्स, जबकि इस प्राइस 40 पे कंज्यूमर खरीदना चाहता है 4,000 यूनिट्स। दिस लीव्स 4,000 यूनिट्स अनसोल्ड। और यहाँ से 8,000 से 4,000 का जो डिफरेंस है वो है 4,000 यूनिट्स जो कि सरप्लस है, जो कि अनसोल्ड है, मार्केट में बिक नहीं रहे। एज अ रिजल्ट द प्राइस विल फॉल, और जिसके बाइस प्राइस होगी कम, कॉजिंग डिमांड टू एक्सटेंड बाय 2,000 यूनिट्स, जिसकी वजह से डिमांड में इजाफा होगा 2,000 यूनिट्स का। ये देखिएगा 4,000 से 6,000, एंड सप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 2,000 यूनिट्स, और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये देखिएगा सप्लाई कर्व यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कितने से? 8,000 से 6,000 यानी 2,000 यूनिट से, अनटिल प्राइस रीचेज द इक्विलिब्रियम लेवल। और फिर देखिएगा इस कॉन्ट्रैक्शन से और इस एक्सपेंशन से दोबारा पहुँचते हैं हम इक्विलिब्रियम लेवल पे जहाँ पे प्राइस थी 30। मूविंग, अब हम डिस्कस करेंगे मार्केट डिसइक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन, एंड दैट वाज डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई। और जब जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो उसे शॉर्टेज कहते हैं। इफ इट इज इनिशियली सेट बिलो द प्राइस लेवल, याद रखिएगा शॉर्टेज कब एग्जिस्ट करेगी? जब प्राइस लेवल के नीचे, प्राइस लेवल से कम सेलर प्राइस को सेट करता है। इन दिस केस देयर विल बी इनिशियली अ शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्ट विद डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई, दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। और यहाँ पर भी याद रखिएगा मार्केट फोर्सेस विल मूव द प्राइस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। देखते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। प्राइस लेवल 10, 20, 30, 40, 50, क्वांटिटी सप्लाई जो कि एक्सपेंड करेगी प्राइस के साथ 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000। क्वांटिटी सप्लाई हमेशा इनवर्स रिलेशन रखती है प्राइस के साथ, कॉन्ट्रैक्ट करेगी 10,000, 8,000, 6,000, 4,000, 2,000।
अब आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि 30 था, जहाँ पे डिमांड सप्लाई 6,000 6,000 बराबर थी, लेकिन अब हमें चूंकि शॉर्टेज को डिस्कस करना है, तो वो हमें डिस्कस करना है कि प्राइस लेवल जो है वो 30 से कम, यानी कि 20 या 10 हो। फॉर एग्जांपल 10 को प्राइस सेट को सेट किया जाता है। तो देख सकते हैं क्वांटिटी सप्लाई, यानी मार्केट में सेलर मौजूद है 2,000 यूनिट्स बेचने के लिए जो कि अवेलेबल है, लेकिन बायर आ जाते हैं 8-10,000 यूनिट्स के। तो 8,000 यूनिट्स की मार्केट में क्या मौजूद है, शॉर्टेज मौजूद है। या फिर यहाँ देखिएगा, प्राइस अगर 20 सेट करता है तो क्वांटिटी सप्लाई मौजूद है मार्केट में बिकने के लिए 4,000 यूनिट, जो कि सेलर लेकर आया है, लेकिन बायर खरीदने के लिए मौजूद है 8,000 यूनिट, यानी कि 4,000 यूनिट्स की यहाँ पर भी शॉर्टेज है। तो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ, और इसका प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा। याद रखिएगा, प्राइस इस सूरत में हमेशा इंक्रीज होगी, चूंकि सेलर को लगता है कि उसकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो प्राइस को हमेशा इंक्रीज करेगा। इस पूरी कैफियत या सिचुएशन को अब हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस, ये सारे पॉइंट्स आ गए डिमांड कर्व के जो कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। इसी तरीके से सारे पॉइंट्स आ गए सप्लाई के जो कि लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। इक्विलिब्रियम पॉइंट हम देखते हैं, जिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल, जो कि 30 है। और अब हम प्राइस सेट करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस से भी कम, जो कि 10 है। फॉर एग्जाम्पल 30 के नीचे हम इक्विलिब्रियम प्राइस को सेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 पे। तो 10 पर इक्विलिब्रियम प्राइस जो हमने जब सेट की, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर शॉर्टेज है। कितने यूनिट्स की शॉर्टेज है देखिएगा, यहाँ पे सप्लाई सेलर कर रहा है 2,000 यूनिट्स की। हो सकता है नया नया बिजनेस हो, और नए बिजनेस में प्राइस भी कम रखता है और यूनिट्स मार्केट में कम बना के लेकर आता है 2,000 यूनिट्स, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को पसंद आती है, अच्छी लगती है, और उसके बायर आ जाते हैं 10,000 यूनिट्स के। तो 8,000 यूनिट्स का यहाँ पे क्या पाया जाता है, शॉर्टेज पाया जाता है। तो सेलर इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए प्राइस को हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और वो प्राइस 10 से इंक्रीज करके 30 कर देता है। याद रखिएगा, जब सेलर प्राइस को इंक्रीज करेगा, या मार्केट फोर्सेस की वजह से जब प्राइस इंक्रीज होगी, तो उससे दो इफेक्ट आएंगे। पहला इफेक्ट, डिमांड जो है वो कंज्यूमर्स की यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बायर जो 10 रुपीज की इस प्रोडक्ट को खरीद सकते थे, मगर जैसे ही प्राइस 30 हो जाती है, अब वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी। यानी बहुत सारे बायर 10,000 यूनिट्स के बजाय अब सिर्फ कितने यूनिट्स की डिमांड करेंगे, 6,000 यूनिट्स की डिमांड करेंगे, और कितने यूनिट्स की डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई यहाँ पर, 10,000 से 6,000, यानी 4,000 यूनिट्स की डिमांड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इसी के बिल्कुल पैरेलल सप्लायर या प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर सामने आएगा, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, देर इज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन ऑफ सप्लाई विद द प्राइस। सप्लायर यानी प्रोड्यूसर यानी सेलर उसकी सप्लाई में एक्सपेंशन करना शुरू कर देगा, और ये देखिएगा, ये सप्लाई यहाँ पर एक्सपेंड होगी। सप्लाई कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड होगी, 2,000 से 6,000, यानी 4,000 यूनिट्स की सप्लाई में इजाफा होगा। इस पूरे कंसेप्ट को यहाँ पर हम अगर एलिब्रेट करें, लिखें, तो किस तरह लिखेंगे, एट प्राइस 10, एट डॉलर 10, द फर्म इज विलिंग एंड एबल टू सेल 2,000 यूनिट्स। ये देखिएगा, प्राइस 10 पर सेलर 2,000 यूनिट सेल करना चाहता है, बट द कंज्यूमर वॉन्ट टू बाय 10,000 यूनिट्स। और कंज्यूमर इस प्राइस 10 पर कितने यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, 10,000। इट शोज अन अवेलेबिलिटी ऑफ 8,000 यूनिट्स, और ये जो गैप नजर आ रहा है आपको, शॉर्टेज 8,000 यूनिट्स का, ये मार्केट में अनअवेलेबल है। एज अ रिजल्ट द प्राइस विल रेज, कॉजिंग सप्लाई टू एक्सटेंड। और जब प्राइस इंक्रीज होगी, तो सप्लाई एक्सटेंड होगी कितने यूनिट से, 2,000 से 6,000, यानी 4,000 यूनिट से एक्सटेंड होगी। एंड डिमांड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4,000 यूनिट्स, और प्राइस के बढ़ने पर जब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो 10,000 से 6,000 कम हो जाएगी, यानी कि 4,000 यूनिट से डिमांड भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। अनटिल प्राइस रिच इज द इक्विलिब्रियम लेवल, जब तक के प्राइस दोबारा से इक्विलिब्रियम लेवल यानी 30 पे ना पहुंच जाए। तो अभी हमने दोनों कंडीशन देखी कि किस तरीके से मार्केट डिस इक्विलिब्रियम मूव करता है मार्केट इक्विलिब्रियम की जानिब, सरप्लस की सूरत में भी और शॉर्टेज की सूरत में भी। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी देखते हैं, फॉर एग्जांपल मौजूद है एज 2014 फीफा वर्ल्ड कप, ब्राज़ील अप्रोच द सेल्स ऑफ ब्राज़ीलियन फुटबॉल शर्ट्स इंक्रीज नॉट ओनली इन ब्राज़ील बट आल्सो इन अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज 2 वीक्स बिफोर। और 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था, तो कंपटीशन स्टार्टेड, जब शुरू हुआ, शॉप्स इन लंडन एंड सो पॉलो, सो पॉलो इज द नेम ऑफ सिटी इन ब्राज़ील, रिपोर्टेड दैट द डिमांड फॉर शर्ट्स वाज आउट स्ट्रिपिंग सप्लाई, यानी कि डिमांड
सप्लाई से ज़्यादा थी। इससे ये बात साबित होती है कि क्या कंडीशन पाई जा रही है, शॉर्टेज है। यहाँ पे सवाल नंबर ए, दो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं ए और बी, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। उन्हें डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम, डिमांड सप्लाई डायग्राम बना के आपको दिखाना है। इलस्ट्रेट द मार्केट फॉर ब्राजीलियन फुटबॉल शर्ट इन सो पॉलो 2 वीक्स बिफोर। आपने शॉर्टेज की डायग्राम बनानी है और शॉर्टेज को डायग्राम के जरिए शो करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या शो करना है आपने, ये पूरी डायग्राम आपको बनानी है जिसमें आपको शो करना है कि शॉर्टेज पाई जाएगी और शॉर्टेज की वजह से यहाँ कहाँ तक, पार्ट ए के अंदर आपने डायग्राम जो बनानी है वो यहाँ तक बनानी है कि जनाब शॉर्टेज पाई जाएगी। और फिर क्वेश्चन के जो पार्ट बी में वो आपसे सवाल कर रहा है, वो क्या सवाल कर रहा है, लेट्स सी दैट। हाँ, पार्ट बी में वो जो जवाब लिखना है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर वहाँ पे सवाल पढ़ के बताता हूँ। पार्ट बी में वो आपसे सवाल कर रहा है कि प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, और पार्ट बी में फिर आपने ये जवाब लिखना है कि जनाब शॉर्टेज थी जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होगी और जिसकी वजह से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और सप्लाई एक्सपेंड हो रही है। ये देखिए पार्ट बी में सवाल क्या है, व्हाट वुड यू हैव एक्सपेक्टेड टू हैपन टू द प्राइस ऑफ द ब्राजीलियन फुटबॉल शर्ट्स इन सो पॉलो इन दिस सिचुएशन, एक्सप्लेन योर आंसर। प्राइस क्या होगी, प्राइस डिक्रीज होगी और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी और सप्लाई एक्सपेंड होगी। ओके, आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।